एसएस राजामौली के निर्देशन में बने फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और द कंक्लूजन दोनों ही सभी की फेवरेट रही। ये सिर्फ साउथ सिनेमा नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इसने अपने सफलता के झंडे गाड़े। साथ ही इस फिल्म से जुड़े सभी किरदारों ने खूब लोकप्रियता बटोरी। सबसे पहले बाहुबली की बात करें तो प्रभास के किरदार को लोगों ने इस फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद किया। वहीं महेश मती के किरदार को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। इसके साथ ही विलन के किरदार में राणा दग्गुबत्ती भी किसी से कम नहीं रहे और उन्होंने भी खूब लोकप्रियता बटोरी। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा भी किरदार था जिसने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले सत्यराज की। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बाहुबली सीरीज में कटप्पा का किरदार निभाने वाले सत्यराज इस फिल्म से पहले भी करीब 200 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे और ये सभी फिल्में हिंदी, तमिल और तेलुगु थी। लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, ना ही लोकप्रियता हासिल हुई। लेकिन जब बाहुबली फिल्म में इन्होंने कटप्पा का किरदार निभाया तो उन्हें बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई और इनका किरदार भी अमर हो गया। आज भी बाहुबली सीरीज में कटप्पा वाले किरदार की काफी ज्यादा प्रशंसा की जाती है। हम आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सत्यराज बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख और दीपिका के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सत्यराज की माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि वो एक अभिनेता बने और उन्होंने एक अभिनेता बनने का सपना नहीं तोड़ा। काफी कुछ स्ट्रगल करने के बाद सत्यराज को करीब 60 साल बाद वो मशहूर हो पाए। आइए जानते हैं कि कटप्पा की संघर्षों भरी कहानी कैसी रही है। सत्यराज की बात करें तो 3 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर में डॉक्टर सुब्बैया के घर में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले इनका नाम रंगराज रखा गया और यही रंगराज आगे जाकर तमिल सिनेमा के सत्यराज बने। डॉक्टर सुब्बैया की फैमिली की आर्थिक हालात सही थी और वो घर से काफी मजबूत भी थे, अपने नाम बड़े बड़े खेत भी थे। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी नंथबल की एक इच्छा थी कि बड़ा होकर उनका बेटा कुछ ऐसा पढ़े जो खेती वगैरह में काम आए, यानी एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए पढ़ाई करें। लेकिन कहां जानते थे कि बेटा तो कुछ और ही किस्मत लेकर आया। सत्यराज शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल के दिनों में टॉपर्स में से एक थे। लेकिन फिर लगा फिल्मों का चस्का, तमिल सिनेमा के दिग्गज MGR और शिवाजी गणेशन की फिल्मों का चस्का। उसके बाद तो पढ़ाई की ऐसी लंका लगी कि फर्स्ट बेंच से खिसकते खिसकते लास्ट बेंच तक पहुंच गए, यानी पढ़ाई में उनकी रुचि जाती रही। और ऐसे में रही बात घर वालों के सपनों की, तो वो कभी पूरा ना हुआ। एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए नेचुरल साइंस में न्यूनतम 50% मार्क चाहिए थे। सत्यराज की सुई 45% पर आकर अटक गई। एग्रीकल्चर में एडमिशन फिर नहीं मिला। खाना पूर्ति के लिए बॉटनी में एडमिशन ले लिया, लेकिन फिल्मों की बला ऐसी थी कि अभी भी साथ ना छोड़े। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर हाजिरी लगाने का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उनकी दीवानगी फिल्मों के प्रति बढ़ती जा रही थी। इसी दीवानगी ने उन्हें पढ़ाई से भी दूर कर दिया। अब घर वालों को बहला फुसलाकर वो मद्रास पहुंच गए। मद्रास पहुंचकर उन्होंने फिर से धक्के खाने का सफर शुरू किया, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक। फिल्म सेट पर पहुंच जाते कोई प्रोड्यूसर या एक्टर दिखता तो रोककर एक ही बात कहते कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है, कैसा भी रोल कर सकता हूं, बस एक्टिंग करने का एक मौका दे दीजिए। हर बार सामने से एक ही जवाब आता था कि अपनी फोटो, नाम और पता छोड़ जाओ, तुम्हारे लायक कुछ होगा तो बताएंगे। अब बार बार सत्यराज को ये सुनते हुए काफी समय हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अनगिनत ना के बीच एक हाँ ढूंढने की जिद उन्होंने पकड़े रखी। एक और फिल्म के सेट पर पहुंच गए। फिल्म थी अनाकली। हीरो थे शिव कुमार। सत्यराज ने उन्हें ढूंढकर अपनी वही एक्टिंग करने वाली बात सामने रख दी। शिव कुमार ने उनसे उनका एक फोटोग्राफ नहीं मांगा, उल्टा भड़के कहा, बिना तैयारी के फिल्मों में आने से अच्छा है कि बैग बांधो और घर निकल लो। शिव कुमार ने भले ही डांट मारी, लेकिन वह चाहते थे वो भी सत्यराज का भला ही। उन्होंने नौजवान सत्यराज के थिएटर डायरेक्टर कोमल स्वामीनाथन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवाया। स्वामीनाथन के साथ सत्यराज ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और खुद पर उन्होंने काफी बड़े बदलाव किए। ये बदलाव बाद में जाकर काफी कुछ उन्हें सिखा भी गया। धीरे धीरे काफी कुछ स्ट्रगल करने के बाद उनकी किस्मत ने पलटी मारी और 1978 में आई सत्यम एन केईल में उन्हें एक पहला मौका मिला। इस फिल्म के हीरो थे कमल हासन और सत्यराज इस फिल्म में विलन के राइट हैंड का किरदार निभाया। अब फिल्म बाद में जब रिलीज हुई तो यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। 100 दिन तक यह थिएटर्स में चली, यहाँ तक कि हिंदी रीमेक भी बना। नाम था ये तो कमाल हो गया। अब सत्यराज ने सोचा कि अब मुझे एक बड़ी फिल्म तो मिल गई है, आने वाले समय में मुझे और भी सारी फिल्मों के ऑफर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब फिल्मों में सत्यराज की कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए। यही सोचकर आइसक्रीम पार्लर उन्होंने खोला, जो कि नहीं चला।
फिर किसी ने बोला कि लोहे के काम में बहुत कमाई है, उसका काम कर लो। ये भी ठीक है, वो कहकर इसको भी उन्होंने आजमाया, लेकिन लाखों करोड़ों की कमाई तो दूर की बात, उल्टा घाटा करवा लिया। उधर उनकी फिल्मों में दीवानगी कम नहीं हो रही थी। कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मिन्नते करने के बाद उन्हें कई सारी फिल्मों में काम मिला। वो इस बात की उम्मीद नहीं रखते थे कि उनका नाम हो, वो सिर्फ काम सीखना चाहते थे। फिर उनकी यही बिना उम्मीदों वाली मेहनत रंग लाई जब मणिनन ने उन्हें एक रोल ऑफर किया विलन का। फिल्म थी 1984 में आई नूरावधु नाल। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के लिए सत्यराज को अपना सिर मुड़वाना पड़ा, पूरा गेटअप बदलना पड़ा। फिल्म रिलीज हुई और जनता को दहलाकर रख दिया, थिएटर में चीखें निकल गईं। सत्यराज का विलन ऐसा कद्दावर साबित हुआ कि हीरो के हिस्से की सारी अटेंशन खा गया। फिल्म को याद कर लोगों की नींदें उड़ गई और इसके बाद उन्होंने कई सारी तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे इनके करियर का ग्राफ बढ़ने लगा और बाद में SS राजामौली की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने इन्हें कटप्पा का रोल ऑफर किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाहुबली सीरीज में कटप्पा वाला किरदार आज भी अमर है, आज भी बड़े चाव से लोग कटप्पा वाले किरदार को देखना व सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की रही है कहानी सत्यराज की। इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, पूरा परिवार बिल्कुल सक्षम था, लेकिन इन सबके बावजूद सत्यराज को फिल्मों में काम पाने के लिए काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा।